तो वहीं राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौड़ ब्राह्मण समाज भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास शराब घोटाला ठप विकास कार्य मोहम्मद अकबर के ऊपर आरोप पर पत्रकारों से बात की। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मातावी वंदन योजना के अलावा सभी विकास कार्य ठप है। सरकार के एक साल बीतने के बाद भी अभी तक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। हमारी सरकार के समय पार्षदों का और पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाया था और भाजपा सरकार में 11 महीने से नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधि को वेतन नहीं मिला। शराब घोटाले में बात करते हुए कहा कि बिना होलोग्राम वाली शराब रायपुर से लगी हुई शराब भट्टी में बिक रही है। उद्योग विभाग की बात करें चाहे स्कूल शिक्षा विभाग की बात, किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य कि मुख्यमंत्री तो अपना सैलरी ले रहे हैं लेकिन पार्षदों का पैसा रोक रहे हैं। विधायकों के निधि तो जारी हो गया, पार्षदों की विकास निधि जो है वो तो बंद कर दिया, जबकि हमारे शासन काल में निधि हमने बढ़ाया भी था और मांग में भी वृद्धि की थी। न केवल पार्षद बल्कि सरपंच, जनपद, जिला और नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर निगम के महापौर सबके मानदेय और वार्ड विकास निधि के लिए हमने राशि में वृद्धि की।